Good morning, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your computer class. Today we will start our chapter number 5th, Internet Services. Open your page, open your book and open page number 68. This is our today's topic. Okay. Today's life has become easier and you should thank to the immense contribution in the field of internet technology that made communication and information sharing so simple. आज की अगर हम लाइफ में देखें तो हम जिस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? इंटरनेट को. आज जो हम ये क्लासेस ले पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट हैज़ कम्प्लीटली चेंज द वे यू कम्युनिकेट एंड मेड योर लाइफ ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट. इंटरनेट की वजह से आज हम इस क्रिटिकल कंडीशन में भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. यस, कनेक्टेड हैं और इंटरनेट की वजह से ये ईजी हो गया टू कनेक्ट विद अदर्स. Right? You can use internet not only to communicate or instant messages, send pictures or videos, share a live moment with a friend, family around the world, but also do business, make new friends and know different cultures, search information, study, shop and order a pizza or monthly grocery. And this internet ki facility se na hi aap sirf information share kar pa rahe ho, messages, chats hi nahi, balki hum beneficial, jo essential jo work hai wo bhi kar pa rahe, like business. If we talk about us, तो जो आपकी education हो रही है, जो आपके teacher आपसे connect हो पा रहे हैं, किसकी वजह से connect हो पा रहे हैं? इंटरनेट की वजह से. आप न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो, आप गूगल पे लाइक कुछ भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से तुरंत ले सकते हो. किसी कल्चर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में स्टडी रिलेटेड, आपको कुछ शॉपिंग करनी है वो तो वो नेट पे अवेलेबल है. अगर आपको खाना ऑर्डर करना है या ग्रॉसरी ऑर्डर करनी है, इनफैक्ट अगर आपको कोई टिकट्स बुक करने हैं तो जो रेलवे टिकट्स, एयरप्लेन टिकट्स सारे हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है. सो इंटरनेट ने हमें इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करके हमारी लाइफ को इतना इजी बना दिया है. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक इंटरनेट. इंटरनेट इज़ द शॉर्टन फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. यस, ये जो हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क है इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट. इंटरनेशनल का इंटर एंड नेटवर्क का नेट, दैट इज इंटरनेट. आप क्या समझ रहे हो? इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब ये जो पूरे हमारे वर्ल्ड, हम लाइक कहीं भी लाइक कनेक्ट हो सकते हैं किसी से भी, तो ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है इंटरनेट. ओके, इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज नेट, और इसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं? नेट. इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड और अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स वेयर वन कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू एनी अदर कंप्यूटर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हेंस इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. जो ये हमारा इंटरनेट है उसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं. ऐसा क्यों? इतने लोग हैं और सब नेट यूज़ करते हैं. लाइक आप कंप्यूटर तो छोड़ दो, आप फ़ोन की बात करो, आप सब अभी क्या कर रहे हो? मोबाइल का यूज़ कर रहे हो आप उसमें से, और आप सब अभी क्लास मोबाइल से ले रहे हो, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं भी मोबाइल से पढ़ा रही हूँ. तो मेरी बात आप सभी लोगों तक एक ही टाइम पे कैसे पहुँच पा रही है सिमिलर वे में? बिकॉज ऑफ इंटरनेट. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ऐसा तो नहीं है कि मुझे किसी एक को किसी एक को अलग से कुछ बताना पड़ रहा है, फिर बाद में मैं किसी और को कुछ बता रही हूँ. नहीं, मैं एक टाइम पे सबको सेम बात समझा पा रही हूँ, सेम बात कन्वे कर पा रही हूँ, सेम इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है. ये जो है, दिस इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. कई सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स.
इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ वेब पेजेस क्रिएटेड बाय पीपल एंड कंपनीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक. आप खुद देख सकते हो इतनी ज़्यादा, मतलब हर इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है. आप अभी जाके सर्च करो और आपको उसका आंसर मिल जाएगा, है ना. सो बिलियंस ऑफ वेब पेजेस, आप जो लाइक नेट पे सर्च करोगे आपको वो मिल जाएगा. द इंटरनेट ऑल्सो हैज़ थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज दैट हेल्प मेक लाइफ मोर कन्वीनियंट. ओके, तो अब हम इंटरनेट की बाकी लाइक सॉफ्टवेयर्स या फिर हम इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं उसको पढ़ने से पहले हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे. बाय द अर्ली 1960s, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैड बिगिन टू यूज़ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इन कमर्शियल प्रोडक्ट्स. दे यूज्ड बोथ मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग, कन्वेंशनल बैच प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग, विच अलाउड अ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज टू बी शेयर इन सक्सेशन विद मल्टीपल यूजर्स. द प्रोसेसिंग वॉज डन सो क्विकली दैट इट अपीयर्ड दैट ईच सिस्टम इज डेडिकेटेड टू अ यूजर. दिस लेड टू द आइडिया ऑफ शेयरिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज ओवर एन एंटायर नेटवर्क. सो ये जो कंप्यूटर का यूज था वो हमारे कब स्टार्ट हुआ, 1960s में स्टार्ट हुआ. और अब तो लाइक हमारे पास लैपटॉप है, फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, है ना. बट इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ कंप्यूटर थे. और जैसा कि हम सब जाते हैं, कंप्यूटर जो होते हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं और लाइक हम उन्हें हर जगह मूव नहीं कर सकते. लाइक लैपटॉप, मोबाइल तो हम हर जगह लेके जा सकते हैं अपने साथ, बट कंप्यूटर के केस में दैट वॉज नॉट पॉसिबल, है ना. बट कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंप्यूटर में होते हैं. सो अगर हमें उसे किसी, उसको ट्रांसफ़र करना हो तो दैट मीन्स कि हमें या तो ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, है ना. लाइक ऐसे कुछ सिचुएशंस थी. सो इसकी वजह से ये सोचा गया कि हम कंप्यूटर्स को लिंक कर देते हैं. लाइक कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाए जिससे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, है ना. द फर्स्ट स्टेप वॉज बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन ARPANET. ARPANET इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी. ओके, ARPA हो गया ये एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड नेट इज फॉर नेटवर्क. ओके, सो जब ये नीड आई कि हमें इंफॉर्मेशन को शेयर करना है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और जो कि कन्वीनियंट भी हो, है ना, ईजली शेयर हो जाए, तो उसके लिए जो पहला स्टेप उठाया था वो हमारे ARPANET ने उठाया था. US का एक ये डिपार्टमेंट है जिसने अपना फर्स्ट नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था ऑन October 29, 1969 पे, है ना. आप देख सकते हो इसमें हमारा फर्स्ट नेटवर्क कनेक्शन बिल्ट हुआ था. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर नेटवर्क्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. इट बिकम अ वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंप्यूटर साइंस रिसर्च कम्युनिटी. अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स US की बात करें तो वहाँ पे इंटरनेट इज वाइटल. वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी. इंटरनेट जो है उसकी फैसिलिटी इज वेरी इम्पॉर्टेंट. लाइक जो हमारा कंप्यूटर साइंस है उसमें जो रिसर्च वगैरह होती है उसके लिए हमें नेट इज़ वेरी क्रूशियल. नेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. द इंटरनेट रिजल्टेड फ्रॉम द एफर्ट टू कनेक्ट वेरियस रिसर्च नेटवर्क्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप. DARPA, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, एस्टेब्लिश्ड अ प्रोग्राम टू इन्वेस्टिगेट द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरिड networks and call the program interneting. So ये हमारी एक दूसरी एजेंसी थी, ये हमारी दूसरी एजेंसी थी DARPA. उसने क्या किया, एक बार हमारा नेटवर्क कनेक्शन बिल्ट हो गया, उसके बाद कई कनेक्शंस लाइक बिल्ट हुए, तो एक इंटरकनेक्शन बन गया. क्या बन गया, इंटरकनेक्शन. और ये जो हमारी एजेंसी थी उन्होंने इन्हीं सारे इंटरकनेक्शन को इन्वेस्टिगेट किया कि हाँ कि ये कैसे कनेक्टेड है, और इन्होंने उसको नाम दिया प्रोग्राम इंटरनेटिंग,
इट वॉज बेस्ड ऑन द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग. इन अक्टूबर 1972 अ सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द अर्पनेट वॉज ऑर्गेनाइज एट द इंटरनेशनल कंप्यूटर कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस. दिस वॉज द फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस न्यू नेटवर्क टेक्नोलॉजी टू द पब्लिक. सो इस वे में जो हमारा इंटरनेट था उस वो इवॉल्व हुआ. इसके हिस्ट्री ये है, इनिशियली हमारे कंप्यूटर्स यूज़ होते थे लेकिन उस टाइम पे इंफॉर्मेशन शेयर इतनी ईजिली नहीं होती थी. सो ये डिसाइड किया गया कि हम ईजिली इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके हम इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी लाए. तो इसके लिए जो आर्पानेट है उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया. उन्होंने अपना फर्स्ट नेटवर्क कनेक्शन बिल्ड किया और उसके बाद कई सारे कनेक्शंस बिल्ड हुए एंड ऐसे हमारी जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो स्टार्ट हुई. So that's it for today. Thank you.